हेलो पेरेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टॉपिक मैथ में क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथ में मैथ सिंबल्स वर्कशीट प्रैक्टिस बच्चों को कैसे कराएं। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि बच्चों को एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के पहले सिंबल्स की पहचान कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे अगर सिंबल्स नहीं जानेंगे, निशान नहीं जानेंगे मैथ के, तो उन्हें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, पहले आप बच्चों को बता दीजिए कि सिंबल्स क्या होते हैं, उसके बाद आप बच्चों को कोई भी टॉपिक स्टार्ट कराइए। जैसे कि आपने बच्चों को बताया कि सिंबल्स क्या होते हैं, ठीक है, मैथ में सिंबल्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, बच्चों को आपने सिंबल्स की पहचान करवाई फर्स्ट डे। सेकेंड डे आप उसको ज़रूर वर्कशीट की प्रैक्टिस करवा दीजिए, ताकि बच्चों को वो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करवाइए फर्स्ट डे, तो आप बच्चों को समझा दीजिए कि ये इस तरीके से बनाया जाता है एंड ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, ये किस टाइप से बनता है। फिर उसके बाद बच्चों को वो बताने के बाद, समझाने के बाद, उनको इस तरीके से प्रैक्टिस करा देंगी वर्कशीट की, तो उन्हें जो भी टॉपिक आप पढ़ाएंगी वो उन्हें क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बच्चों को वर्कशीट की प्रैक्टिस ज़रूर कराइए। ठीक है, आगे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी मोस्ट रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देख रखी है और ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि वर्कशीट कैसे प्रैक्टिस कराएं, सिंबल्स वर्कशीट की प्रैक्टिस। देखिए, फाइव मैंने सिंबल्स आपको बताए थे, जैसे होता है ये आपका मल्टीप्लाई, माइनस, प्लस, डिवाइड एंड इक्वल। ठीक है, ये फोर आपके इम्पॉर्टेंट होते हैं, और ग्रेटर एंड लेस देन भी आपका इम्पॉर्टेंट होता है। बट पहले ये जो है जो इम्पॉर्टेंट है हमारा, वो देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, इस तरीके से फिगर ड्रॉ कर लेना है। कोई टफ फिगर नहीं है, एकदम नॉर्मल है, इजी है, जिसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, उसमें इस तरीके के सिंबल्स बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से सिंबल्स बना दीजिए, और उसके बाद यहाँ पे बच्चों को बताइए कि आपको इस सिंबल्स में, जितने भी ये टोटल सिंबल्स हैं, इसमें आपको प्लस में क्या करना है, आपको सर्कल कर देना है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप बच्चों को वर्कशीट दे रहे हैं, तो जिसमें आपको सर्कल करवाना है बच्चों से, उसको हाईलाइट थोड़ा कर दीजिए, मतलब कि उसको एक कलर से रखिए, बाकी जो है अनदर कलर से कर सकते हैं आप। सारे जो आपके ये माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, उसको एक ही कलर से रखिए, और जो आपका ऐड है, मतलब जिसमें आपको सर्कल बच्चों से करवाना है, उसको सिर्फ एक कलर से रखिए। ठीक है, इससे बच्चों को ये रहेगा कि बच्चों छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जब छोटे बच्चे हैं तो जितना आपके पास दिमाग है, ऑब्वियसली सी बात है उतना बच्चों के पास नहीं है, तो वो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो उन्हें जब ये हाईलाइट होगा तो वो थोड़ा दिमाग लगा के अच्छे से उसको सर्कल कर पाएंगे। ठीक है, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस करवा देंगी, तो उसके बाद आप जिस तरीके से भी देंगी बच्चे कर लेंगे। पहले तो इस तरीके से आप वो उसकी प्रैक्टिस करवा दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें तो आपका है, आपके लिए तो इजी है, क्योंकि आपने ही बनाया हुआ है ये फिगर, आप ही ड्रॉ करेंगी, तो आपको तो पता है कि आपका सिंबल है वो सिर्फ एक कलर से है, बाकी जो है जितने भी हैं वो एक कलर से हैं, तो आपको तो पता है। बट बच्चों को एक करके बताइए कि ये जो आपका प्लस है उसमें ही आपको सर्कल करना है। ठीक है, तो बच्चों को एक आप करके दिखा दीजिए, ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि उसको क्या, कैसे जो है इसमें सर्कल करना है। जैसे ये देखिए, प्लस है, प्लस ऐड, ऐड को क्या कहते हैं, प्लस कहते हैं, तो इसको बच्चे ऐसे सर्कल करेंगे। ठीक है, एक करके आप बच्चे को बता दीजिए कि किस तरीके से सर्कल होगा, बच्चे उस तरीके से सर्कल करेंगे। फिर ये देखिए, इससे ये रहेगा, ये बच्चों के लिए इजी हो जाएगा कि उन्हें इंडिकेट हो जाएगा कि मेरा इस कलर से जो है वो मेरा प्लस है। ठीक है, तो बच्चे के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, और ये भी बच्चे को समझ में आ जाएगा कि यही मेरा प्लस है,
इस वजह से ये एक ही कलर में है, बाकी और सब जितने भी हैं वो एक कलर से हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा अलग है, ये सबसे अलग है, तो ये मेरा प्लस है, ठीक है। फिर बच्चों को बता दीजिए कि कितनी बार ये जो है आपका प्लस है, आप जितनी भी बार प्लस है उसको जो है आप सर्कल करो और काउंट करो, और काउंट करने के बाद यहाँ पे उसको लिखो। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 10 आपके ऐड के हैं, तो यहाँ पे आपको 10 बच्चों से लिखवा लेना है, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा कि बच्चों को सिंबल्स की भी पहचान हो जाएगी, सिंबल्स की वर्कशीट की प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड उनको काउंटिंग भी थोड़ा थोड़ा करवाइए ताकि उनको काउंटिंग करने में भी आसानी हो जाए। इसी तरीके से आप जो है बच्चों को एक स्केज और दे दीजिए, इसी तरीके से आप बच्चों को ये माइनस की प्रैक्टिस करवाइए। अब देखिए मैंने इसमें भी सारे कलर, सारे सिंबल्स जो है वो ग्रीन कलर से बनाए हुए हैं, एंड जो माइनस का सिंबल है वो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया हुआ है ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो इसी तरीके से बच्चों को इसमें भी सर्कल करवाइए। जैसे देखिए ये माइनस का है, तो बच्चों से कह दीजिए कि इसको सर्कल करे। ये माइनस है, बच्चों को कह दीजिए कि ये सर्कल करे। ये जो होता है सिंबल, ये माइनस का होता है, तो बच्चों को एक बार बता दीजिए, उसके बाद सिंबल को सर्कल करवाइए। तो इस तरीके से इसमें भी जितने भी सिंबल होंगे उसको आप सर्कल करवाइए और यहाँ पे इक्वल करके बच्चों को लिखवा दीजिए, जैसे कि मैंने प्लस में बताया। इसी तरीके से आप ये देखिए मल्टीप्लाई की भी प्रैक्टिस करवाइए, इक्वल की भी प्रैक्टिस करवाइए। ये आपका डिवाइड है और ये आपका इक्वल है। इसमें भी आप बच्चों से कह दीजिए जो आपका जो है मल्टीप्लाई है उस पर आपको, मल्टीप्लाई का जो सिंबल है उस पर आपको क्या करना है, सर्कल करना है। जैसे इस टाइप से करना है सर्कल, इस टाइप से सर्कल करना है, इस तरीके से भी बच्चों को बताइए। इस तरीके से जिस एक ही आप दे दीजिए, एक ही तरीका बता दीजिए, बच्चे एक बार बच्चों को बताइए, दो बार बताइए, उसके बाद आप ये तीनों दे दीजिए और कह दीजिए कि अब इसमें खुद तुमको सर्कल करना है और ख़ुद काउंट करके लिखना है। जैसे कि अब आपने प्लस माइनस का बता दिया एक करके, उसके बाद आप बच्चों को बताइए कि मल्टीप्लाई का सिंबल ऐसे होता है, आपको इस पर सर्कल करना है और काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों को एक आइडिया लग जाएगा और उन्हें पता भी चल जाएगा कि उन्हें कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हो सके तो एक एक करके ही प्रैक्टिस करवाइए बच्चों को, एक एक करके प्रैक्टिस करवाएंगे तो बच्चों को जो है ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और वो आराम से कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑलवेज़ बी हैप्पी।